हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस टू के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जो हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आज का वीडियो जो है, आज का ये जो आपका क्लास है, ये एक्चुअली नेक्स्ट डिजीज के ऊपर हमने ये क्लास रखा है। इसके प्रीवियस में हमने आपको बैक्टीरियल डिजीज में एक डिजीज पढ़ा दिया है। अब बाबू वो कौन सा डिजीज हमने आपको पढ़ाया है? टाइफाइड पढ़ाया है। तो टाइफाइड जब हमने आपको पढ़ा दिया तो हमने आपको बताया था कि बाबू इसी से रिलेटेड जो फॉर्मेट हमने बताया था उसी फॉर्मेट से रिलेटेड अब जितने भी हम लोग डिजीज पढ़ेंगे वहां पे हम लोग उसी फॉर्मेट को लेकर के चलेंगे, क्योंकि जितना भी डिजीज है बाबू वो सारा डिजीज लगभग एक ही फॉर्मेट में आता है। तो जैसे देखिए, अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो वही वाला जो जितना फॉर्मेट है वही सारा फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आज हम लोग जो नेक्स्ट डिजीज पढ़ने वाले हैं ये भी बैक्टीरियल डिजीज ही है, और इस डिजीज का नाम क्या है बाबू? इस डिजीज का नाम है निमोनिया। क्या नाम है? निमोनिया। तो आज हम लोग निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे कि निमोनिया क्या है और निमोनिया कैसे फैलता है, निमोनिया का मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सिम्टोम्स क्या है, इन्वेस्टिगेशन यानी क्या टेस्ट करवाते हैं हम, और फिर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक कर करके हम लोग एक स्लोट वाइज लेकर के चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बाबू ये जो निमोनिया है, आइए सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बता देते हैं निमोनिया क्या है। देखिए, निमोनिया का नाम आपने सुना होगा बाबू कि निमोनिया जो होता है बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। तो निमोनिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। निमोनिया को कहें तो निमोनिया वायरल निमोनिया भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे निमोनिया होते हैं जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बचपन में हो गया तो कंजेनाइटल निमोनिया, बड़ा में हो गया तो एडल्ट निमोनिया, अगर आपको हॉस्पिटल में कहीं आप गए वहां से कोई इन्फेक्शन के द्वारा आपको निमोनिया हो गया तो डेट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो निमोनिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमको एक सिंपल वे में निमोनिया पढ़ना है। समझिए मेरे बात को, सिंपल वे में हम निमोनिया को पढ़ेंगे कि निमोनिया क्या है, यानी निमोनिया का इंट्रोडक्शन जानेंगे बाबू पहले कि निमोनिया कैसे और किस वे में, किस बैक्टीरिया के कारण, इसका पैथोजिन क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, हमारे बॉडी के किस पार्ट को प्रभावित करता है यानी अफेक्टेड ऑर्गेन क्या है, इसका सिम्टोम्स क्या है, इसके क्या टेस्ट हैं, क्या इसके जांच हैं, और इसके लक्षण क्या दिखते हैं यानी सिम्टोम्स क्या दिखते हैं, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप निमोनिया से बचाव करें अपने आप को। तो इन सारी चीजों के बारे में हम एक ओवरव्यू लेकर के चलेंगे और आपको समझाने के बाद लिखवाएंगे। तो ये छोटा सा डिजीज है निमोनिया, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निमोनिया जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है बाबू, कौन सा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। इससे पहले बाबू हमने टाइफाइड पढ़ा, तो टाइफाइड भी क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। और निमोनिया अभी हम पढ़ रहे हैं तो निमोनिया भी क्या है बाबू? निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। यानी आप देख सकते हैं कि निमोनिया को हमने क्या लिखा है? बैक्टीरियल डिजीज। क्या लिखा है? बैक्टीरियल डिजीज। यानी आज भी हम लोग कौन सा डिजीज पढ़ रहे हैं? आज भी हम लोग बाबू बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं। कौन सा डिजीज पढ़ रहे हैं? बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला डिजीज टाइफाइड पढ़ लिया है और आज हम लोग दूसरा डिजीज पढ़ेंगे। उस डिजीज का नाम क्या है बाबू? निमोनिया नाम है। क्या नाम है? निमोनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निमोनिया को। देखिए, सबसे पहले हम लोग निमोनिया के इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं बाबू। किसके ऊपर आएंगे? इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो अगर हम निमोनिया के इंट्रोडक्शन की बात करें तो निमोनिया का आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं कि निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज। निमोनिया क्या है? निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब निमोनिया जब बैक्टीरियल डिजीज है बाबू तो इसमें क्या हो जाता है? तो इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन कहने का मतलब इन्फेक्शन हो जाता है बाबू। देखिए, जहां पे भी वर्ड इन्फ्लामेशन आए तो इन्फ्लामेशन में आपको पांच साइन दिखेगा। बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर कहीं पे भी आपका इन्फ्लामेशन आए
तो इन्फ्लामेशन में आपको पांच साइन दिखेगा। कितना साइन दिखेगा बाबू? पांच साइन दिखेगा। अगर हम बाबू इन्फ्लामेशन की बात करें तो ध्यान देंगे इन्फ्लामेशन में कितना साइन दिखेगा। अगर कहीं पे भी वर्ड आपका इन्फ्लामेशन लिखा हुआ आए, इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन में पांच साइन दिखता है। पहला रेडनेस, ठीक है, यानी रेडनेस दिखेगा, पेन दिखेगा उस पार्ट जहां पे इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग दिखेगा, स्वेलिंग यानी सूजन, स्वेलिंग दिखेगा। आफ्टर डेट क्या दिखेगा बाबू? वहां का जो लोकल टेम्परेचर है, यानी कि जो लोकल टेम्परेचर है वो लोकल टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ा हुआ रहेगा, इंक्रीज रहेगा। क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा। तो क्या क्या दिखेगा? रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, लोकल टेम्परेचर इंक्रीज, और एक और चीज दिखेगा, टेंडनेस। टेंडनेस यानी टेंडनेस कहने का मतलब, टेंडनेस कहने का मतलब कि अगर आप उस पार्ट को छुएंगे तो वहां पे आपको दर्द होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमारा स्वेलिंग हो गया या इन्फ्लामेशन हो गया है। इन्फ्लामेशन किसी भी वजह से हो सकता है, या अगर आपको इन्फेक्शन कुछ चीज का हो गया है तो उससे इन्फ्लामेशन होगा। तो यहां पे अगर इन्फ्लामेशन का साइन दिख रहा है तो पांच साइन दिखेगा। यहां पे पहले क्या होगा बाबू? पेन होगा। अब पहले पेन से लेकर के चलिए, दर्द होगा, स्वेलिंग, यहां पे सूजन दिखेगा, उसके बाद क्या होगा? टेंडनेस, यहां आप इसको ऐसे छुएंगे तो आपको दर्द करेगा। फिर क्या होगा? रेडनेस, यहां पे लालीपन आपको दिखेगी, रेडनेस, और उसके बाद यहां का जो लोकल टेम्परेचर है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी ऐसे करके आप जब देखेंगे तो आपको गर्म लगेगा। तो बाबू यही इन्फ्लामेशन के पांच साइन है, इन्फ्लामेशन के पांच साइन है। तो कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ये पांच साइन आपको दिखने को मिलेगा। जैसे अपेंडिक्साइटिस, अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो आपको दर्द करने लगता है, तो फिर आप अपेंडिक्टोमी करवा लेते हैं, अपेंडिक्स को निकलवा लेते हैं। तो ऐसे बहुत सी बीमारियां है बाबू जिसमें इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलता है। वो इन्फ्लामेशन क्यों? इन्फेक्शन के कारण। किसके कारण? इन्फेक्शन के कारण। तो इंट्रोडक्शन में हमने बताया आपको कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज हमने आपको बताया कि जो निमोनिया है बाबू ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, और इसमें क्या हो जाता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स। अब लंग्स का कौन सा पार्ट को का इन्फ्लामेशन होता है बाबू? एल्वियोलाई का इन्फ्लामेशन होता है, जिसको हम लोग एयर फिल्ड सैक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि उसमें हवा भरा रहता है और वह छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बाबू? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग, एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एयर फिल्ड होते हैं। क्या होते हैं? एयर फिल्ड, यानी हवा भरे रहते हैं। अब देखिए उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम अगला बात करते हैं बाबू, तो कॉजेटिव फैक्टर या कॉजेटिव एजेंट, जिसको हमने पैथोजेन बोला था। ध्यान दीजिएगा, पैथोजेन अगर आपको याद हो तो पैथोजेन के बारे में हमने आपको बताया था कि पैथोजेन एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे कॉजेटिव एजेंट कहा जाता है। अब कॉजेटिव एजेंट इसका क्या होगा बाबू? तो इसमें दो बैक्टीरिया के कारण ये चीज होता है। ध्यान देंगे, निमोनिया जो है वो दो बैक्टीरिया के कारण होता है। एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, दूसरा बैक्टीरिया है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और दूसरा बैक्टीरिया है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। इन दोनों बैक्टीरिया के कारण निमोनिया आपके बॉडी में डिजीज क्रिएट होता है। तो ये दोनों बैक्टीरिया पैथोजेन उसके क्या हो गए बाबू? कॉजेटिव फैक्टर या कॉजेटिव एजेंट, यानी उनके कारण ये डिजीज हो रहा है। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, तो तीसरे नंबर पे आते हैं बाबू, मोड ऑफ इन्फेक्शन। ध्यान दीजिएगा, मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी ये फैलता कैसे है। तो निमोनिया फैलने का अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो निमोनिया से अफेक्टेड है,
वो पर्सन अगर छींके स्नीजिंग करे तो स्नीजिंग करने से उसके ड्रॉपलेट्स एयर में जाएंगे और आप अगर उसी एयर को इनहेल कर लिए तो आपको निमोनिया हो जाएगा। या तो अगर आप उसके साथ कोई भी ग्लास वगैरह शेयर कर लिए, मान लीजिए वो एक ग्लास से पानी पिया है, उसी ग्लास से पानी आपने भी पी लिया तो भी आपको निमोनिया हो जाएगा। तो ये इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ इन्फेक्शन के बाद वाली, तो बाबू एफेक्टेड ऑर्गेन। जिस तरह से टाइफाइड में हमने आपको एफेक्टेड ऑर्गेन क्या बताया था, ध्यान दीजिए, याद कीजिए, क्या बताया था? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बताया था? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी तरीके से बाबू यहां पे जो एफेक्टेड ऑर्गेन है वो लंग्स का एक पार्ट होता है जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, जिसमें एयर सैक होता है, यानी एयर फिल्ड होता है, एक सैक होता है। जैसे सैक आप एक सिंपल सा एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए बाबू एक गुब्बारा है, एक बैलून है, वो बैलून में आप हवा भर देते हैं तो बैलून क्या है बाबू? सैक है, एक प्रकार का वो सैक है, उसके अंदर क्या भर गया? हवा भर गया। तो उसी तरीके से बाबू छोटे छोटे एयर सैक होते हैं जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। अब इसी में क्या हो जाता है, इसी एल्वियोलाई को ये इफेक्ट कर देता है, इसमें इन्फेक्शन कर देता है, जिसके कारण रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। जब आप कफ करेंगे तो पस आएगा, आपको फीवर हो जाएगा, हेडेक होगा, तो बहुत सी समस्याएं डेवलप हो जाएंगी। तो सब सिम्टम्स के अंदर आएगा। तो इफेक्टेड ऑर्गेन क्या है? इफेक्टेड ऑर्गेन है एल्वियोलाई, जिसे हम एयर फिल्ड सैक कहते हैं ऑफ द लंग्स। किसका बाबू? लंग्स का। तो इफेक्टेड ऑर्गेन हो गया। अब नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट अगर हम लोग अब सिम्टम्स की बात करते हैं बाबू, देखिए सिम्टम्स की बात, तो अगर सिम्टम्स की बात करें तो अगर इन्फेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर इन्फेक्शन होगा तो एक सिम्टम जरूर दिखेगा, फीवर यानी बुखार। कौन सा सिम्टम्स? फीवर यानी बुखार। उसके बाद और भी सिम्टम्स उससे रिलेटेड आप जोड़ दीजिए, जैसे बाबू लंग्स में हो रहा है तो लंग्स का काम क्या है? सांस यानी ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होगा, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। उसके बाद बाबू इससे कफ वगैरह से रिलेटेड है ये भी चीज है, तो कफ होगा यानी खांसी आएगी, और जब वो इंसान खांसेगा तो उसके साथ पस आ सकता है। समझ रहे मेरी बात को? यानी इफेक्टेड ऑर्गेन अगर आपको याद होगा तो आप उससे कोरिलेट करके सिम्टम्स को निकाल लेंगे। तो फीवर हो गया पहली चीज, कफ, और कफ के साथ क्या आना? पस आना। दूसरी चीज हेडेक, तीसरी चीज इसके बाद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चौथी चीज यानी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम भी आप लिख सकते हैं। और यही चीज बाबू अगर सीवियर स्टेज में चला गया, यानी थोड़ा कंडीशन क्रिटिकल हो गया, तो ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, लेकिन इसके साथ एक चीज और ऐड हो जाएगा कि आपके जो नेल्स हैं, नेल्स का जो कलर है, या तो आपके नेल्स का जो कलर है, कहने का मतलब फिंगर में जो आपके नेल्स होते हैं वो नेल्स का कलर, और जो स्किन का कुछ कुछ कलर जो होता है वो बाबू ग्रे से टर्न हो जाता है ब्लूइश में, यानी ब्लूइश कलर का हो जाता है। ये इसके सिम्टोम्स हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बाबू टेस्ट यानी इन्वेस्टिगेशन, यानी इसका जांच क्या है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन टेस्ट में क्या करवाया जाता है? एक्सरे करवाया जाता है, एक्सरे करवा के देखा जाता है कि लंग्स में इन्फ्लामेशन है कि नहीं है, या हिस्ट्री से पता लगा लिया जाता है, या कभी कभी ब्लड टेस्ट करवाया जाता है इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए। ब्लड टेस्ट नहीं तो स्कूटम टेस्ट होता है, यानी कफ का जांच होता है, जिसमें पस से पता चल जाता है, पस से बैक्टीरिया को पता लगाया जाता है कि यह बैक्टीरिया है इसमें, तो स्कूटम टेस्ट। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन हो गया। अब लास्ट हम आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, यानी क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो बाबू अगर हम ट्रीटमेंट के ऊपर बात करें तो बाबू बैक्टीरियल डिजीज है। अब जाहिर सी बात है बैक्टीरियल डिजीज है तो आप इसमें कौन सा दवा चलाएंगे? एंटीबायोटिक चलाएंगे,
यानी आप इसमें एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। क्या देंगे? एंटीबायोटिक थेरेपी। तो ये बाबू हमारा निमोनिया है। अब हम इसी चीज को पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिएगा निमोनिया। नेक्स्ट डिजीज हमारा ये दूसरा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, जिस डिजीज का क्या नाम है बाबू? निमोनिया। यहां पे आप देख सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज, और बैक्टीरियल डिजीज में हमारा आज का हेडिंग क्या है बाबू? निमोनिया। तो निमोनिया आप हेडिंग डालेंगे, और निमोनिया हेडिंग डाल के पहला सब पॉइंट लिखेंगे इंट्रोडक्शन। यानी इंट्रोडक्शन में हम लोग, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन भी आ जाता है या इंट्रोडक्शन भी आ जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में लिखिएगा निमोनिया के बारे में, लिखिएगा निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज। निमोनिया क्या है बाबू? निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज। निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन टू द एल्वियोलाई, A-L-V-E-O-L-I, टू द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को कोस्ट में, एल्वियोलाई लिखने के बाद कोस्ट में आप लिख लीजिएगा एयर फील्ड सैक्स, AIRFILLED SACS, एयर फील्ड सैक्स, कोस्ट को बंद कर दीजिएगा, ठीक है। टू द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, कोस्ट को बंद करने के बाद लिखेंगे ऑफ द लंग्स। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हाँ नेक्स्ट सब हेडिंग डालिए कॉजेटिव एजेंट, यानी डिजीज को कौन सा पैथोजेन कॉज करता है। कॉजेटिव एजेंट को कोस्ट में आप पैथोजेन भी लिख लेंगे, जी कोस्ट में लिख लीजिए पैथोजेन। तो कॉजेटिव एजेंट में लिखेंगे, हाँ उसको लिखने के बाद नीचे से लिखिएगा, सब हेडिंग देने के बाद लिखिएगा निमोनिया इज कॉज्ड बाय अ माइकोबैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, अ माइकोबैक्टीरियम कर दीजिएगा, बैक्टीरियम इज अ सिंगुलर, बैक्टीरिया इज अ प्लूरल, अमाइकोबैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड हीमोफिलिस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस एंड हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, INFLEUANZA, इन्फ्लुएंजा। ये एनसीईआरटी में भी बैक्टीरिया का नाम आपका दिया हुआ है, आप एक बार एनसीईआरटी भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है बाबू? स्ट्रेप्टोकोकस एंड हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, यानी यह इसका पैथोजेन है निमोनिया का, निमोनिया होने का ये कारण, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन। किसकी बात करेंगे बाबू? मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में लिखेंगे
सब हेडिंग डालिएगा मोड ऑफ इन्फेक्शन। जी सब हेडिंग डालिए मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो बाबू मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोथ आर सेम। यू कैन राइट मोड ऑफ इन्फेक्शन आइदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ओके चलिए लिखेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन लिखने के बाद नीचे से कि द मेन मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ न्यूमोनिया डिजीज इन ह्यूमन बींग्स The main mode of infection of pneumonia in human beings is by air droplets। कहने का मतलब air में जो droplets आ जाएंगे air droplets of the केवल droplets आप कर दीजिए एयर को हटा दीजिए या तो आप मॉइस्ट एयर ड्रॉपलेट्स कर सकते हैं। ठीक है तो आप केवल ड्रॉपलेट्स लिखिएगा ड्रॉपलेट्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन ड्यू टू इनहेलिंग। दूसरा लिखेंगे शेयरिंग ऑफ ग्लास ड्यूरिंग यानी ग्लास का शेयरिंग करना ड्यूरिंग एनी ओकेजन विथ इन्फेक्टेड पर्सन। यानी मान लीजिए कि आप कोई भी ओकेजन पे एक व्यक्ति है जो कि निमोनिया से ग्रसित है, आप अगर उसके ग्लास का यूज करते हैं चाहे वो पानी पीने के लिए हो या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए हो, तो बाबू आपको क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। तो ये क्या है इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन, क्या है मोड ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट अब हम लोग सब हेडिंग की ओर चलते हैं, डेट इज अफेक्टेड ऑर्गेन। यानी बाबू इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है निमोनिया से, अफेक्टेड ऑर्गेन। तो अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन में लिखवा दिया है, एल्वियोलाई कोस्ट में हमने बताएंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन लिखने के बाद अफेक्टेड ऑर्गेन में लिखिएगा, अफेक्टेड ऑर्गेन आपने सब हेडिंग डाल लिया। चलिए अब हम लोग इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं, अफेक्टेड ऑर्गेन में लिखेंगे कि एल्ब्यूलाई, लिखिएगा एल्ब्यूलाई ALVEOLI एल्ब्यूलाई कोस्ट में एयर फिल्ड सैक्स, कोस्ट को क्लोज कर दीजिएगा, एल्ब्यूलाई ऑफ द लंग्स इज अफेक्टेड बाय द एंट्री ऑफ पैथोजेंस ऑफ निमोनिया। यानी निमोनिया के जब पैथोजेंस आपके बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो जिसके कारण आपका कौन सा ऑर्गेन इफेक्ट होता है बाबू, लंग्स है, यहां पे लंग्स से ऊपर एयर फिल्ड सैक्स है, कहने का मतलब हवा इसमें जाता है तभी तो हम लोग सांस ले पाते हैं, तो यहां वाला पोर्शन हमारा इफेक्टेड होता है। ठीक है किससे, निमोनिया से। तो ये हमारा इफेक्टेड ऑर्गेन हो गया। तो नेक्स्ट सब हेडिंग डालेंगे सिम्टोम्स। अब हम लोग सिम्टोम्स के ऊपर बात करते हैं, यानी इसके लक्षण क्या है।
नेक्स्ट सब हेडिंग डालिए सिम्टोम्स। जी सिम्टोम्स डाल लिया आपने, लिखेंगे आप सिम्टोम्स में सम कॉमन सिम्टोम्स ऑफ नमोनिया आर, सम कॉमन सिम्टोम्स ऑफ निमोनिया आर, नीचे करके अब लिखते जाएंगे पॉइंट वाइज। पहला लिखेंगे फीवर, दूसरा लिखेंगे, पहला लिखिएगा फीवर, दूसरा लिखिएगा कफ विथ पस, सी ओ यू जी एच, कफ विथ पस, पी यू एस, कफ विथ पस यानी पस के साथ कफ आना। दूसरा लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिख लीजिए या कॉमा करके भी आप लिख सकते हैं ना। दूसरा लिखेंगे, पहला क्या लिखा फीवर, दूसरा कफ विथ पस, तीसरा लिखेंगे हेडेक, तीसरा लिखिए हेड एक, हेड एक कल भी हमने आपको लिखवा दिया है सर में दर्द, तो वो तो होगा ही होगा क्योंकि फीवर है। हेड एक के बाद लिखेंगे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में कठिनाई होना। सांस लेने में क्या होता है बाबू, कठिनाई होता है, तो इसीलिए हमने आपको क्या बताया सिम्टम में, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सिम्टम में क्या बाबू, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। अब एक नीचे पॉइंट लिखिएगा, नीचे पॉइंट बना करके जहां जैसे हमने उस वाले में सिम्टम के कॉमन सिम्टम लिखने के बाद एक नीचे स्टार बनाया था पॉइंट, उसी तरह से बना करके लिखेंगे। हाँ नीचे एक पॉइंट बना करके लिखिए, इन सीवियर केसेस, इन सीवियर केसेस यानी सीवियर केस में द कलर ऑफ स्किन एंड फिंगर नेल्स, द कलर ऑफ स्किन एंड फिंगर्स नेल्स टर्न यानी बदल जाते हैं ग्रे टू ब्लूइश यानी कि ग्रे से ब्लूइश में बदल जाते हैं। कब? सीवियर कंडीशन में, ठीक है, टर्न ग्रे टू ब्लूइश। ये बाबू हमारा सिम्टम्स हो गया। अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आते हैं यानी टेस्ट के ऊपर आते हैं। कल हमने आपको टेस्ट लिखवाया था, कौन सा टेस्ट टाइफाइड के लिए, विडाल टेस्ट। यहां पे कौन सा टेस्ट होगा तो लिखेंगे इन्वेस्टिगेशन, हेडिंग सब हेडिंग डालिए या टेस्ट डाल दीजिए या आप दोनों डाल सकते हैं। हाँ टेस्ट डाल के लिखेंगे, लिखिएगा टेस्ट में डायरेक्ट लिख दीजिए कौन कौन सा टेस्ट करवाते हैं। एस्पुटम टेस्ट, एस्पुटम, एस पी यू टी यू एम, एस पी यू टी यू एम, एस्पुटम टेस्ट, ठीक है, एस्पुटम टेस्ट भी करवाते हैं या इसके साथ एक्सरे भी हम करवाते हैं पेशेंट का, एक्सरे, ये दो टेस्ट करवाते हैं। एक्सरे देखते हैं लंग्स का कि लंग्स का क्या कंडीशन है, और एस्पुटम टेस्ट मतलब होता है बाबू कफ की जांच, ठीक है, कफ को एस्पुटम बोलते हैं, खखार, बलगम, बलगम जांच आपने सुना होगा, बलगम जांच, उसमें पस निकाला जाता है और उसको देखा जाता है कि एस्पुटम में पस निकाल करके कि भाई कैसा है, या पस को निकाल लिया जाता है, समझ रहे मेरी बात को, और उस पस को चेक किया जाता है, तो उसमें अगर इस टाइप के बैक्टीरिया दिखते हैं तो कंसिडर कर दिया जाता है, कंफर्म कर दिया जाता है कि डेट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। तो लिख लेंगे टेस्ट में एस्पुटम टेस्ट। एस्पुटम टेस्ट में किस चीज के लिए किया जाता है बाबू, पस देखा जाता है, पस, पस देखा जाता है, पस का स्टेनिंग वगैरह किया जाता है ना। और अगला टेस्ट में लिख लीजिएगा एक्सरे, एक्सरे में लंग्स वगैरह का हम लोग पोजिशनिंग देखते हैं, लंग्स का कंडीशन देखते हैं कैसा है क्या है, एयर सैक्स वगैरह का। तो इन्वेस्टिगेशन हो गया, अब लास्ट हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के ऊपर। जी हाँ ट्रीटमेंट यानी इसका इलाज, तो ट्रीटमेंट सब हेडिंग डालिएगा और ट्रीटमेंट डाल करके लिखेंगे कि एंटीबायोटिक थेरेपी,
ट्रीटमेंट डाल के एक लाइन में लिख लीजिए, एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी। और अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन मैं आपको बता देता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप प्रिवेंशन समझ पाएंगे। प्रिवेंशन इज कोरिलेटेड विथ मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी वो चीज अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, यानी उस चीज से अगर हम बचे तो। अगर कोई पर्सन है, आपको पता है कि डेट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, तो आप उससे दूरी बना करके रखिए, आप मास्क का यूज कर सकते हैं, या आप वैसे पर्सन के साथ शेयरिंग ना करें ग्लास वगैरह का, खाना वगैरह या तो प्लेट्स वगैरह बर्तन का शेयर ना करें जिस व्यक्ति को अगर निमोनिया हुआ है तो। मास्क वगैरह का आप हमेशा यूज करें, हमेशा अपने आप को सेफ रखें, तो यही इसका बचाव है। तो ये बाबू हमने आज डिस्कस किया निमोनिया के बारे में। तो एक छोटा छोटा स्लॉट वाइज हम लोग लेकर के चलेंगे, अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे, वही वही डिजीज पढ़ेंगे जो डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वही डिजीज जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा आप लोगों ने, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक वीडियो, हर एक क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।